हिंद दोस्तों, UDCR में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे गिजल ऑफ मैन और चीजेशिया के बीच में खेले जाने वाला जो नेक्स्ट आपके यूरोपियन T10 क्रिकेट चैंपियनशिप का मैच है, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो बहुत सारे अपडेट्स आप मिस कर जाओगे, तो पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा, अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जल्दी से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने, ठीक ये इस बटन को आपको प्रेस करना है और डायरेक्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। और नोटिफिकेशन का आपको क्या करना है, ऑल कर देना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जो पहला आपको लिंक दिखेगा दोस्तों यही है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक। इस लिंक पर जाना है और आपको जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है दोस्तों। तो जल्दी जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। इस लिंक पर आपको क्लिक करना चाहिए, डायरेक्टली आपको हमारे टेलीग्राम पेज जो कि है ये दोस्तों, इसी पे लेके आएगा। और यहाँ पर आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आपको जाना है और ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। नीचे आपको जहाँ पर ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है, ठीक इस जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा दोस्तों। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी मैच के बारे में हम बात करें, सबसे पहले तो हम मैच पर चलेंगे, उसके बाद चलेंगे क्रिएट टीम पर। तो अगर बात करें ना, तो यहाँ से पहले बॉलिंग की बात करेंगे दोस्तों। सब लोग बैटिंग सेक्शन से विकेट कीपिंग से स्टार्ट करते हैं, पर मैं बॉलिंग से, क्योंकि इस टीम, ये दोनों टीम जो है ना, ये दोनों की स्ट्रांग जो पॉइंट्स है वो बॉलिंग ही है दोस्तों। बेसिकली सेम चीजेशिया के बात करें, चीजेशिया की टीम बॉलिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती। आर अफरीदी, आपको इनको ग्रैंड लीग में डायरेक्ट कैप्टन बनाना है, कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली कैप्टन बनाने। मधुरंगा एन त्यागी, तीनों एक से एक वर्कर बॉलर है दोस्तों। एस भुयान, शयन गुप्तो, आर तोमर और अरविंद अशोकन, सभी को आपने T10 के सभी वर्ल्ड के जो टॉप T10 के टूर्नामेंट से सभी जगह पर आपको इनको खेलते हुए देखा होगा। एस दस भी दोस्तों ग्रैंड लीग में आपको, जिसमें आपको कैप्टन बनाएंगे एस अफरीदी को, आर अफरीदी को, इसमें आपको दस भी को वाइस कैप्टन बनाना है, या फिर वाइस कैप्टन बनाना है आपको दस आर अफरीदी को और कैप्टन बनाना है दस भी को। यहाँ से देखिए एस गुणशेखर, हाँ दोस्तों यही है। तो ये 9 प्लेयर्स इस टीम से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये 9 प्लेयर्स को आपको ग्रैंड लीग में अलग अलग कॉम्बिनेशन से ट्राई करना, या फिर ट्राई करना 9 प्लेयर्स को एक ही टीम में रख लो और 2 प्लेयर्स आप रख लो एजल ऑफ मैन की टीम से, जो थोड़ी कमज़ोर है अगर कंपेयर करें दोस्तों किस टीम से, चीजेशिया की। यहाँ से हार्टमैन को आपको लेना है, सी वेबस्टर को आपको लेना है। बाकी अगर आप 2 प्लेयर्स को लेना चाहते हो किसके बदले में लोगे, यहाँ से बाकी यहाँ से एन त्यागी को मैं ड्रॉप कर दूँगा, यहाँ से एफ क्लर्क को ले लूँगा और यहाँ से अरविंद अशोकन को मैं ड्रॉप करके यहाँ से ब्रोस को ले लूँगा। तो ये कुछ चेंज ही मैं कर दूँगा, बाकी मैं शायद कुछ भी चेंज ना करूँ, मैं शायद ये भी चेंज ना करूँ दोस्तों। ड्रीम इलेवन पे मैं एक टीम से 10 प्लेयर ले सकता हूँ, दूसरी टीम में एक, ये मैं कर सकता हूँ। पर अगर मैं आप किसी और प्लेटफॉर्म्स पर खेले जहाँ पर आपको 4 और 7 का कॉम्बिनेशन बनाना होता है दोस्तों, उसी पर आपको ये टीम ट्राई कर लेना है दोस्तों। ये टीम भी बुरी नहीं है दोस्तों, बहुत तगड़ी टीम ये भी है दोस्तों। इसमें आपको कैप्टन बनाना है दोस्तों। पहले स्मॉल लीग की बात कर लेते हैं, स्मॉल लीग में आपको सबसे पहले भुयान को कैप्टन बनाना है, एस शयन गुप्ता का वाइस कैप्टन बनाना है, ये बन जाएगी आपकी सेफ टीम। किसके लिए? स्मॉल लीग के लिए दोस्तों। ग्रैंड लीग में आपको क्या करना है, ग्रैंड लीग में आपको पहले बता दें अब्बास आर अफरीदी को कैप्टन और 10वीं को अपना वाइस कैप्टन बनाना है, हो गया। दूसरे तीसरी टीम में आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया मैंने 9 और 1 का कॉम्बिनेशन रखूँगा। यहाँ से मेरे टीम में एफ क्लार्क नहीं होंगे, यहाँ से मेरे टीम में एन त्यागी होंगे दोस्तों, यहाँ से मेरे कैप्टन दोस्तों यहाँ 10वीं होंगे, वाइस कैप्टन दोस्तों मेरे भुयान होंगे दोस्तों, ये मेरी बन जाएगी तीसरी टीम। चौथी टीम में दोनों सेम टीम होगी दोस्तों, जिसमें हमारे कैप्टन 10वीं होंगे, वाइस कैप्टन मेरे होंगे आर अफरीदी। तो ये कुछ इस तरह से मैंने अपना टीम रेडी कर लिया है दोस्तों। बाकी मैं इसी तरह से ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन रेडी करूँगा दोस्तों। अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ये मैच बहुत ही ईजी है दोस्तों। ग्रैंड लीग जीतना
इस मैच में ग्रैंड लीग जितना बहुत ईजी है, आपको 9 प्लेयर्स 9 या फिर 8 प्लेयर्स एक टीम से लेना है जो कि चिजेशिया की टीम है, और बाकी 2-3 प्लेयर्स आपको ले लेना है इजल ऑफ मैन की टीम से, या से ये तो मस्ट पिक प्लेयर बन जाएंगे। वेस्टर और ब्रोस को आपको ले लेना है, आपको ग्रैंड लीग जिताना से कोई नुकसान। इन 9 प्लेयर्स को आपको अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सी और बी सी बनाकर ट्राई कर लेना है, और जी एल आपको जीत जाना है दोस्तों, सिंपल सी बात है। बाकी मैं तो आपको टीम दे ही दूंगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।